लो भैया हो गया पंगा। दोस्तों अक्षय कुमार के लिए शायद 2023 बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बंदे की लगातार सीक्वेंस मूवी फ्लॉप जा रही है। और अब एक मूवी जिससे जनता इतनी होप थी, ऑडियंस पॉजिटिव रिएक्शन दे रही थी, तो वो कर दी गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा कैंसिल, मतलब पोस्टपोन करने के ऑर्डर दिए गए हैं सेंसर ने। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे ये तो सिर्फ टीजर ही था और कुछ भी गलत तो नहीं लग रहा था, फिर क्यों ऐसा किया? पब्लिक वाकई में होप लगा के बैठी थी, मूवी के रिलीज होने का वेट करने लगी थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा किसी ने ना सोचा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि आखिर ऐसा क्यों स्टेप लिया गया, मूवी में क्या कमी रह गई, क्यों सेंसर बोर्ड बहुत से सीन एडिट करने को कह रहे हैं मेकर से, आदि पुरुष जैसी फिल्म को रिलीज कर दिया लेकिन OMG 2 क्यों नहीं करा जा रहा है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर अक्षय पाजी के डाई हार्ड फैन हैं और मूवीज से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए वाकई में ये साल खराब तो है, क्योंकि अभी तक जितनी भी फिल्में आई थी वो फ्लॉप हो गई हैं। लगातार सीक्वेंस में अराउंड 5 to 6 उनके टीजर तो छोड़ो, ट्रेलर तक को कोई अच्छा रिस्पांस तक नहीं मिला, तो मूवी की तो बात ही अलग है। लाइक सेल्फी तो सबसे रद्दी तरीके से पिटी गई है, लेकिन दोस्तों तभी रिलीज करा जाता है एक फाइनल कमबैक का टीजर जिसने जनता से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जनता ने एक त्यौहार की तरह इस फिल्म को दिल से लगा लिया था, लेकिन कुछ तब भी कमियां निकालने में एक्सपर्ट थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, व्यूज अच्छे मिल रहे थे, रिलीज की डेट फिक्स करी जाती है, वो भी गदर 2 जैसी धमाकेदार दिग्गज फिल्म के सामने। मतलब मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमारा कॉन्टेंट जरूर उभर कर आएगा, लोगों को ये पक्का पसंद आएगा, और इसका सबूत टीजर में देखने को मिल गया था। टीजर को काफी अच्छे रिव्यू मिले, लोग फाइनल ट्रेलर का वेट करने लगे कि आखिर मूवी में होने क्या वाला है। अक्षय पाजी का भोलेनाथ वाला लुक, इसने तो सबकी जान लूट ली थी, क्या जबरदस्त किरदार निभाया है इन्होंने भोला भंडारी का। दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी भी चार चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। दोस्तों इन दोनों की जोड़ी देखने के लिए लोग वाकई बेसब्र हो जाते हैं, और अचानक से एक न्यूज निकलती है कि सेंसर बोर्ड मूवी को रिलीज होने से कैंसिल कर रहे हैं, मींस मूवी को पोस्टपोन करने की मांग करी, क्योंकि इन्हें और भी एडिट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। ऐसे ये मूवी को रिलीज नहीं कर सकते, और ये पोस्टपोन वाला बॉम्ब बहुत जबरदस्त तरीके से फटा है। जी दोस्तों, सेंसर बोर्ड की तरफ से रिवील करा गया है कि OMG 2 में सेक्स एजुकेशन पर बात करी जानी है, लेकिन फिर डिवोशनल लिंक करने की क्या जरूरत थी, ये सेंसर बोर्ड के शब्द हैं। जी दोस्तों, जब से आदि पुरुष आई है सेंसर बोर्ड को बहुत खामियां भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने आदि पुरुष को आसानी से पास तो कर दिया था, लेकिन जब जनता ने फैसला किया तब सेंसर बोर्ड की बहुत धज्जियां उड़ाई गई। देखो आदि पुरुष को इतनी गहराई से एनालाइज नहीं किया गया था बोर्ड के द्वारा, बस ऊपर ऊपर देखकर पास कर दिया गया था, लेकिन वहां से एक लेसन ये लिया कि जब कोई धर्म से कनेक्टेड मूवी आएगी तो बारीकी से इसकी खामियों को देखना है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आदि पुरुष ने भी ये कहा था कि हम थोड़ा बहुत क्रिएटिव तो कर रहे हैं चीजें, और उनके न्यू क्रिएशन कैसा रहा एवरीवन नो, सिर्फ गालियां ही नहीं जूते चप्पल से स्वागत किया गया रामायण के साथ छेड़छाड़ करने वालों को। तो सेम चीज ये भी करना चाहते थे, सेक्स एजुकेशन के बेस पर सुसाइडल अटेम्प्ट होता है जिसका केस पंकज त्रिपाठी यानी कांति सरन मुतकल लड़ रहे हैं, ऐसी बातें न्यूज प्लेटफॉर्म से रिवील करी जा रही हैं लगातार कि सेंसर बोर्ड के ये शब्द हैं मूवी को पोस्टपोन करने के लिए, और उनको ये कहना है इससे उन्हें टाइम ही मिलेगा ताकि वो वैल्यूएबल चेंजेस कर सके मूवी में, जिससे जनता की भावनाओं को तो ठेस ना ही पहुंचे। लेकिन जब हमने टीजर देखा तो हमें ऐसा कोई लूपहोल नहीं देखने को मिला, टीजर में एक भी ऐसी चीजें नहीं जिससे पब्लिक स्ट्रांगली इसका कड़ा विरोध करे। हाँ छोटी मोटी आलोचनाएं तो होती रहती हैं, पर ऐसी बैन करने वाली नहीं हो रही थी। दूसरा, इस चीज का अंदाजा यहां से भी लगाया जा रहा है, एक बार अक्षय पाजी ने खुद ही अपने इंटरव्यू में ये रिवील करा था कि मेरी अगली फिल्म सेक्स एजुकेशन पर बेस होगी, लेकिन इससे पहले राम सेतु और सेल्फी में ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कनेक्शन नहीं देखने को मिला, तो इस फिल्म में होनी है ये सारी बातें। इस वजह से धर्म पर जिसकी सच्ची श्रद्धा स्ट्रांग तरीके से जुड़ी हुई है वो भी इसका विरोध करने लगे हैं कि चेंजेस तो जरूर होने चाहिए, लेकिन जब स्टोरी पैटर्न ही वैसा है तो ये कैसे एडिट होगी। हाँ अलग सीन होते तो उनको एडिट करा जा सकता है, लेकिन पूरा पैटर्न जो सिक्वेंस वाइज चलता है, जैसे सुसाइड हो गया उसका रीजन जो है वो स्ट्रांग है, तो उसे थोड़ा ना एडिट कर सकते हैं, फिर जो पूरा कोर्टरूम ड्रामा है वो तो कैसे देखने को मिलेगा। तो भाई साहब आगे क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, फिलहाल अभी के लिए अब 11 अगस्त को OMG 2 को नहीं रिलीज करा जाना है। जी हाँ, यहाँ अब गदर 2 को खुला मैदान मिल गया है, अब इसे खुलेआम बिजनेस करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, सेंसर बोर्ड को वाकई में मूवी पोस्टपोन करनी चाहिए, या फिर जब आपने टीजर देखा तब कोई कमी नहीं निकली और एक बार ट्रेलर के लिए वेट करना चाहिए था तब कोई फैसला लेना था? दूसरा, क्या हम इस सेंसर बोर्ड पर भरोसा कर लें जो आदि पुरुष जैसी डिजास्टर मूवी को रिलीज कर सकते हैं लेकिन किसी कॉन्टेंट के द्वारा पब्लिक को अच्छा वैल्यूएबल लेसन मिले उसे रिलीज नहीं होने दे रहे? खैर आपका क्या कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना अपनी राय। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।